नमस्कार दोस्तों, मैजिकल किचन माई इति मिश्रा में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं, सावन के सोमवार शुरू हो गए हैं और इस व्रत में कुछ लोग नमक नहीं खाते हैं, तो उसके लिए हम क्या बना सकते हैं मीठे में। आज हम आपको बना के दिखा रहे हैं आलू का हलवा। जी हाँ, आलू का हलवा कैसे बनता है आज हम आपको बताएंगे। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 1 किलो आलू उबले हुए, 5 चम्मच देसी घी, 2 कप दूध, 1 कटोरी चीनी, 20 ग्राम काजू बारीक कटे हुए, 20 ग्राम बादाम बारीक कटे हुए और ये हमने उबले हुए आलू लिए हैं। अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई पैन लेंगे और उसमें हम देसी घी डालेंगे। यहाँ पे हम जो देसी घी यूज़ कर रहे हैं वो हमारे घर का है, हमने खुद बनाया है मलाई से। और घी जब अच्छे से मेल्ट हो जाए तब उसमें हम बॉईल किए हुए आलू, जिनको मैंने अच्छे से मैश कर लिया था, वो लिए हैं। अगर आप लोग डायबिटीज पेशेंट हैं जो भी, तो आप डायबिटीज़ वाले आलू लीजिए, क्योंकि इसमें अगर आप शुगर डालेंगे और ये आलू हल्का सा भी मीठा होगा तो नुकसान कर सकता है। तो यहाँ पे हमने देसी घी में इसको डाल के अच्छे से इसे भूंज लेना है हल्का सा, करीब 2 मिनट के लिए। फिर इसके बाद इसमें हम दूध डालेंगे। यहाँ पे दूध में हम इसे गाढ़ा करेंगे, ताकि अच्छे से, जब तक ये दूध आलू को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर लेगा तब तक इसे हमें मीडियम आंच पर पकाना है। ध्यान रहे, जो आलू का हलवा है उसे तेज़ आंच पर बिल्कुल नहीं बनाना है। जितनी धीमी आंच में आप बनाएंगे इसको और चलाते रहेंगे, उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। और इसे हमें इस तरीके से ओटना है जैसे हम लोग खोया बनाते हैं, उसी तरीके से इसे चलाते जाना है, बराबर इसे चलाना है, ताकि ज़रा सा भी नीचे लग ना पाए। और इस तरीके से चलाते चलाते ये इतना गाढ़ा हो जाएगा कि कढ़ाई पैन से देखिए ये अपने आप छूटने लगा है। जब इस तरीके से हो जाए, दूध एब्जॉर्ब हो जाए, तब आप इसमें चीनी डालिएगा। चीनी यहाँ पे मैं 1 कटोरी ले ली हूँ। अगर आप शुगर पेशेंट तो आप उसके अनुसार आप मीठा कम कर सकते हैं। और फिर इस तरीके से हमें चीनी में भी पकाना है, ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। और जैसे जैसे चीनी इसमें मेल्ट होगी तभी देखिएगा इसका कलर चेंज हो जाएगा। इस तरीके का लग रहा है ना, बिल्कुल खोया बन रहा है, बिल्कुल उसी की तरह लगता है। और ये बहुत ही ज़्यादा खाने में स्वादिष्ट लगता है और बहुत ही इजी है, हर कोई जल्दी बना सकता है। और इसे इस तरीके से हमें पकाते रहना है, चलाते रहना है, ताकि ये इस तरीके से कढ़ाई से छूटने लगे। जब ऐसा ये हो जाएगा आपका आलू, तो समझ लिए आपका जो हलवा है वो रेडी हो चुका है। और जब इस तरीके से हो जाएगा तब उसमें हम काजू बादाम और भी जो आप ड्राई फ्रूट्स हैं आप डाल सकते हैं, जो भी आपको डालने का मन हो। और साथ में इसमें अगर आप चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, तो मैं इसमें अभी तो नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ये खाने में ऑलरेडी बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। और ये हमारा रेडी हो चुका है, इसे आप गरम गरम सर्व कर सकते हैं। और ये सोमवार में खाने के लिए, व्रत में खाने के लिए हलवा तैयार है, आलू का हलवा। बताइएगा कैसी लगी रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लेके। फॉर वॉचिंग, ओम नमः शिवाय।